तो गाइस इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप घर पर इन्वर्टर कैसे बना सकते हो, वो भी 5 वोल्ट की बैटरी से आप इसको चला सकते हो। तो गाइस आप देख सकते हो मेरा बल्ब किस तरीके से वर्क कर रहा है, आप दोस्तों इससे पंखा भी चला सकते हो। गाइस इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो भाई सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पर ले लिया BZ547 ट्रांजिस्टर और IN4007 का एक डायोड। तो गाइस ये लेने के बाद मैं आपको एक बार फिर से इसको जूम करके दिखा देता हूँ, इसके जो नंबर हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर BZ547 का मैंने ये ट्रांजिस्टर ले लिया है, 3 टांग का। दोस्तों इसमें 3 पिन होती है। तो गाइस और मैंने IN4007 का डायोड ले लिया है। तो गाइस आपको भी ये लेना है। और गाइस देखिए, मैंने यहाँ पर इस ट्रांजिस्टर की जो पिन है इसको अभी मैं टेढ़ा कर देता हूँ, जो कि हमारा जो सोल्डरिंग करने में हमको आसानी हो। तो गाइस कुछ इस तरीके से मैं इसको जो है इसकी पिनों को टेढ़ा कर देता हूँ साइड में, जो कि अभी हम इस तरीके से कर चुके हैं। और गाइस अब जो हम इसमें सोल्डरिंग करेंगे तो हमको उसमें आसानी होगी। तो भाई देखिए, मैंने यहाँ पर इसको सोल्डरिंग करने वाला हूँ। तो गाइस देखिए, यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर की 3 वाली पिन है, सीधा करने से 3 वाली पिन, तो उस पर जो हमारा डायोड है उसकी जो पट्टी वाली साइड है उसको हमको इसको सोल्डरिंग कर देना है। मैं आपको एक बार इस तरीके से दिखा देता हूँ। तो भाई देखिए, यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से सोल्डरिंग कर दिया है। तो गाइस अब इसके बाद जो हमको 2 वायर ले लेने हैं। तो गाइस इस वायर को देखिए, सबसे पहले मैं ब्लू वाले वायर को ट्रांजिस्टर के फर्स्ट पिन पर इसको सोल्डरिंग कर देता हूँ, और जो दूसरा हमारा वायर है दोस्तों उसको हम ट्रांजिस्टर की 3rd पिन पर सोल्डरिंग कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से था हमारे ये दोनों वायर के सोल्डरिंग। तो गाइस अब मैं 2 वायर और ले लेता हूँ, और एक वायर को हम लगाते हैं ट्रांजिस्टर की 2nd यानी बीच वाली पिन पे, और दूसरी वायर को लगा देते हैं हम डायोड की 2री वाली पिन पे, जो कि हमारी खाली बची हुई है बिना पट्टी वाली। तो गाइस ये हमने दोनों तारों को अलग अलग सोल्डरिंग कर लिया है। तो अब जो हमारा इन्वर्टर है वो आधे बन के तैयार हो चुका है। तो गाइस इसको टेस्टिंग भी आपको करके दिखाऊंगा, तो वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को स्किप मत करना दोस्तों, नहीं तो आपका ये पन नहीं पाएगा और आप कमेंट करोगे कि भाई ये फेक है। तो गाइस ये मैंने ले लिया 9 वोल्ट का 1 एम्पियर का ये चार्जर। दोस्तों आप 5 वोल्ट का भी ले सकते हो, उससे भी अच्छे तरीके से वर्क करेगा। तो गाइस इस चार्जर के जो प्लस माइनस है, जो हमने नीला वाला वायर जो है यहाँ पर सोल्डरिंग किया था फर्स्ट पिन पर उसको हमको लगा देना है, और जो हमने 3rd पिन पर जो वायर लगाया था वो हमको माइनस पे इसको लगा देना है। तो कुछ इस तरीके से लग के तैयार हो चुका है। तो गाइस अभी मैं इसको आपको टेस्टिंग करके दिखाऊंगा, लेकिन यार उससे पहले वीडियो को अच्छी लग रही हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी, और हमारे ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उस पर आपको डेली ब्लॉग्स मिलते रहेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन है। तो भाई देखिए, जो हमने चार्जर को इस बोर्ड में लगा दिया और हमारे इन दोनों वायर में 220 वोल्ट एसी का करंट आ चुका है। मैं आपको जो है इस पर टच करके दिखा देता हूँ। तो गाइस देखिए, यहाँ पर हमारा बल्ब जल रहा है पर हिल रहा है। तो गाइस अभी मैं आपको होल्डर में इसको लगा के दिखाता हूँ। होल्डर के कनेक्शन देखिए, मैंने यहाँ पर एक केबल ले ली है जिसमें कि मैंने होल्डर को सेट कर लिया है। तो ये कुछ हमने इस तरीके से सेट किया है, और इसका जो प्लग है वो यहाँ पर है। तो भाई देखिए, मैंने इसको बल्ब को यहाँ पर लगा देता हूँ, और लगाने के बाद जो हमने इन्वर्टर बनाया है होम मेड। तो गाइस अब इसकी जो पिन को हम यहाँ पर जो है लगाएंगे। तो गाइस देखिए, मैंने जो चार्जर को निकाल लिया है, अब मैं इसकी दोनों तारों को यहाँ पर जो है लगा दूंगा कुछ इस तरीके से। तो भाई देखिए, मैंने यहाँ पर लगा दिया है, अब मैं इसके चार्जर को 220 एसी वोल्ट में कनेक्ट कर दूंगा, जिससे कि हमारा जो ये इन्वर्टर है बल्ब चालू हो जाए। तो गाइस कोई भी फेक नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है, एकदम रियल तरीके से वर्क करता है। और गाइस लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और गाइस देखिए, मैंने चार्जर को लगा दिया है पर अभी ये नहीं जल रहा है, इसका रीज़न है इसके अभी तार जो है ढीले थे। तो गाइस जैसे ही मैंने इसके तार को थोड़ा खींचा हिलाया तो ये कुछ इस तरीके से बल्ब जलने लग गया। और गाइस लाइट बंद करके आप इसकी रोशनी देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। गाइस इससे आप पंखा भी चला सकते हो। और गाइस आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जब तक के लिए बाय बाय।